चिल्ड्रंस हम आज एक्सरसाइज 6.3 पढ़ेंगे। हम पिछली बार एक्सरसाइज क्या पढ़ी थी, 6.2 पढ़ी थी। उसमें हमने कुछ फेसेस पढ़े थे, ये 6.2, कुछ लाइंस पढ़ी थी, यानी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, कर्वेड है वगैरह वगैरह, और कुछ शेप्स पढ़े थे, कॉर्नर शेप्स है यानी रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स, स्क्वायर, ये सारे शेप्स पढ़े थे। इनमें कितने कॉर्नर्स होते, कितने साइड्स होते, इनके बारे में पढ़ा था। अब हम इसके आगे वाले शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। मैथ्स में कुछ और शेप्स भी होते हैं, ठीक है, उनके कॉर्नर कितने होते हैं, उनके फेसेस कितने होते हैं, उनके क्या कहते हैं ना, कुछ फेसेस में वो होते हैं ना एजस, किनारे कितने होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जो थोड़ा डबल टाइप के होते हैं ना, कुछ कोई भी शेप वो वाला। अब है एक क्यूब। एक क्यूब हैज़ 6 इक्वल फ्लैट फेसेस। एक क्यूब जो होता है, घन होता है, उसके कितने इक्वल फ्लैट फेसेस होते हैं, 6। क्यूब को घन भी बोला जाता है हिंदी में, और उनके 6 इक्वल फ्लैट फेसेस होते हैं, यानी 6 एक जैसे समान फेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये नीचे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको हम इसके 6 एक जैसे बराबर फ्लैट फेस, यानी इसको 6 मतलब जो भी है ना, इसके 6 फेसेस होते हैं उसको इक्वल होते हैं, उसको हम 6 तरफ से बराबर देख सकते हैं। अब एक क्यूबॉइड है 6 फ्लैट फेसेस, यानी अब क्यूबॉइड है तो उसके कितने फेसेस होंगे, 6 फ्लैट फेसेस। उसके 6 फ्लैट फेस होते लेकिन इक्वल नहीं होते, एक समान एक जैसे तो फ्लैट होते लेकिन है ना, मतलब फ्लैट एकदम सीधे होते लेकिन इक्वल नहीं होते, क्योंकि ये दोनों छोटे होते और ये लंबे होते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फेस क्या होता है, जो हम सामने से इसको देखते किस तरफ से हम देख सकते हैं इनको। अब ये सिलेंडर हैज 2 इक्वल फ्लैट फेस एंड 1 कर्वड फेस। अब सिलेंडर किसके जैसे होता है, टंकी, पानी की टंकी हो, या फिर एक आपने आटे की कोठी समझ लो आप, ठीक है। उसके ये तो फ्लैट फेस है, दोनों तरफ से एकदम नीचे से फ्लैट होती है ना, उसको उल्टा रखोगे तो भी वैसा ही होगा, उसको ऐसा रखोगे। और 1 कर्वड फेस, और एक ही सीधा फेस होता है, ठीक है। अब ये 1 शेप है और कर्वड फेस, सिर्फ एक गोले को हम एक सामने से देख सकते, बाकी इसके ना कोई कोने होते हैं, ना कोई इसके है ना किनारे होते हैं, यानी एजेस होते हैं। एक कोण हैज़ 1 फ्लैट फेस एंड 1 कर्वड फेस। एक कोण, एक शंकु होता है ना, कोण किसको बोलते हैं, त्रिभुज के जैसे। आप आइसक्रीम का कोण खाते हो तो नीचे से बिल्कुल पैक होता है ना, उसका कागज चिपका होता है, तो उसके 1 फ्लैट फेस होता है, एकदम फ्लैट फेस कहाँ से होता है, नीचे से। और एक कर्वड, यानी सामने से 1 कर्वड फेस होता है, और इसके कॉर्नर कितना होता है, 1 कॉर्नर। तो ये आपके कुछ अब पॉइंट दे रखे, जैसे आउटसाइड ऑफ ऑल सॉलिड कॉलिड फे इस फेस। एक क्यूब और क्यूबॉइड है 6 फेसेस। एक क्यूब और क्यूबॉइड, एक घन और घन, आपके कितने फेस होते हैं, 6। ये मैंने बताया ना, आप 6 तरफ से देख सकते हो दोनों को, बट क्यूब में तो इक्वल होते लेकिन क्यूबॉइड में इक्वल नहीं होते। फिर है एक क्यूब और क्यूबॉइड के 12 एजेस होते हैं। 12 एजेस यानी 12 किनारे होते, कैसे होते मैं बताऊँ, इसके 12 किनारे होते ना, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, कितने किनारे हो गए, 12, तो 12 एजेस होते इसके। इस तरह से 4 हॉरिजॉन्टल एजेस और 4 बॉटम पे हॉरिजॉन्टल एजेस होते, और 4 ही टॉप पे हॉरिजॉन्टल एजेस होते, और 4 वर्टिकल एजेस होते। अब एक क्यूब और क्यूबॉइड 8 कॉर्नर्स, कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8, मैंने आपको बताए थे, कॉर्नर्स एट द टॉप एंड 4 कॉर्नर्स एट द बॉटम। ये शेप हैज़ 1 फेस बट नो एजेस और नो कॉर्नर। इस शेप के नो तो कोई कॉर्नर होता है, नहीं कोई एज, यानी नो कोई किनारे होते हैं। अब हम एक्सरसाइज 6.3 पढ़ेंगे। इसमें अब मैं आपको एक थोड़ा सा क्यूब कोण के बारे में भी बता देती हूँ। कोण के कितने फेस होते हैं, 2। इसको हम कहाँ से देख सकते हैं, एक आगे से एक पीछे से, कोण को घुमाओगे तो एक इस तरफ से एक इस तरफ से, ठीक है। 1 एज, यानी इसके किनारा कितना होता है, 1, नीचे से एक ही किनारा होता है, 1 कॉर्नर, और एक ही ऊपर कॉर्नर होता है। ए सिलेंडर हैज 3 फेसेस, जो मैंने आपको अभी बताया था, एक ऊपर एक नीचे और एक सामने से। 2 एजेस बट नो कॉर्नर। 2 एजेस, 3 फेस तो होते, इसको हम तीनों तरफ से देख सकते हैं, ऊपर से भी नीचे से, और बट ये देखो ऊपर से बीच में से और नीचे से, और इसके किनारे कितने, ऊपर और नीचे 2 किनारे, और इसके कोई कॉर्नर्स नहीं होते। अब आपको 6.3 में कुछ लाइनें दे रखी है और कुछ डॉट दे रखी है, उसमें सिर्फ आपको स्क्वायर्स और रेक्टेंगल ही बनाने हैं। ये मैंने चित्र में बना रखे हैं, आपको भी अपनी नोटबुक में इसी तरह से बनाना है। अब क्वेश्चन 2 है, राइट द नंबर ऑफ फ्लैट कर्वड फेसेस एजेस एंड कॉर्नर्स ऑफ
फॉलोइंग सॉलिड शेप्स, आपको क्या करना है, कुछ तो फ्लैट और करवर्ड, यानी आपको कुछ तो लंबा फ्लैट बिल्कुल सीधा और करवर्ड यानी एकदम लंबा फेस बताने, कुछ अभी मैंने आपको जो समझा दिए उस तरफ, और किसी के कॉर्नर किसी के किनारे बताने। हमने अभी सबसे पहले यही पढ़ा था ना, ऊपर पढ़ा था, तो इसके कितने कॉर्ने होते हैं, वन कॉर्ना, ठीक है, वन एजेस यानी एक किनारा होता है, ऊपर वन कॉर्नर होता है, टू फेस होते हैं, इसको हम इधर से भी देख सकते हैं, इसके पीछे की तरफ से भी देख सकते हैं, और वन करवर्ड एकदम सीधे से एकदम करवर्ड और फ्लैट फेस होता है, ठीक है। एक तो वन करवर्ड फेस, मतलब इसको एक तो सामने से देख सकते फेसेस, और एक वन फ्लैट, ये। अब ये है सिलेंडर, सिलेंडर के कितने फेस होते हैं, तीन, ऊपर से देख सकते हैं, नीचे से, और एक सामने से, टू एजेस, कितने किनारे इसके, दो, वन और टू, नो कॉर्नर, इसके कोई कॉर्नर नहीं होते। शेप हेयर, तो शेप हेयर के वन फेस होता है जो हम सामने से इसको देख सकते हैं, बट इसके नहीं तो कोई कॉर्नर दिख रहा आपको, ना कोई एजेस, ना कोई इसके किनारे, ठीक है। क्यूबॉइड, इसके कितने, सिक्स तो फेसेस इक्वल, यानी छः इक्वल एक जैसे फेस है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, डब्बा होता ना एक, जैसे हम कोई कपड़ा रखने के डब्बे वगैरह होते, इसी तरह से ट्वेल्व एजेस, इसके किनारे कितने, मैंने अभी आपको गिन के बताए थे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, और एट कॉर्नर्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो ये आपके मैंने कर दिया। अब है नेम द शेप विच द फॉलोविंग, आपको क्या करना है, ये शेप्स दे रखे, इनको आपको फॉलो है ना, मतलब आपको कुछ हिंट दे रखे, उस हिसाब से आपको शेप डालने। नो एज यानी किसके किनारे नहीं होते, ये हमने भरा ना, नो एजेस शेप हेयर के यानी गोले के कोई किनारे नहीं होते। ट्वेल्व एजेस किसके होते हैं, क्यूबॉइड के, ये मैंने भरा, ट्वेल्व एजेस यानी ट्वेल्व किनारे किसके होते हैं, क्यूबॉइड के। एट कॉर्नर्स किसके होते हैं, वो भी क्यूबॉइड के, यह है ना एट कॉर्नर्स, इसमें किनारे एट कॉर्नर्स है ना, एक इसके भी होते हैं क्यूबॉइड के, इसके भी होते हैं ना, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो यहाँ पे आपने क्यूब वॉइड भी डाल सकते हो, यहाँ पे तो आप क्यूब डाल सकते, एक यहाँ तो आप क्यूब डाल सकते हो और यहाँ पे क्यूब वॉइड डाल सकते हो, ये तो क्यूब है, ठीक है, यहाँ तो क्या है क्यूब है, और यह आ जाएगा क्यूबॉइड, ये तो है क्यूब और यह आ जाएगा क्यूबॉइड। अब है ये नो कर्वर्ड एजेस, यानी किस एक सिर्फ वन करवर्ड एज यानी एक किनारा किसके होता है, सिर्फ कोण के, ये सिर्फ वन ही सीधा करवर्ड एज, तो यही है ना, सिर्फ एक किनारा इसी के होता है, ये तो फ्लैट एजेस है। वन कॉर्नर एक किसके कॉर्नर किसके होता है, कोण की, ये वन कॉर्नर। नो कॉर्नर शेप हेयर के, कोई कॉर्नर नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गई है, मैं इसके फ़ोटो खींच के आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, बकायदा इसकी वीडियो जो ये है आप खोल के समझ सकते हो, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज ये 6.23 फिलअप है।